मित्रों, सामान्य तौर पर हम ये समझते हैं कि नास्तिकता का अर्थ होता है ईश्वर में विश्वास ना करना, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी सनातन परंपरा के अनुसार नास्तिकता का अर्थ ईश्वर में आस्था रखना नहीं है, बल्कि नास्तिक तो वो व्यक्ति है जो वेदों में विश्वास नहीं रखता, जो ये मानता है कि वेद ईश्वरीय कृति नहीं है बल्कि इंसानों द्वारा रचे गए हैं। उनमें कोई रहस्यमय बात नहीं, बल्कि एक साधारण मानव के द्वारा अपने पूजनीय ईष्ट और देवताओं से अपने इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की गई मांग है। इसके बदले में वो मानव देवताओं को बलि, सोमरस आदि अर्पित करने का वादा कर रहा है। सनातन परंपरा में तीन पंथ ऐसे हुए हैं जो स्वभाव से नास्तिक थे। इनमें सबसे पहला नाम आता है बौद्ध पंथ का। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ और तथागत भी कहा जाता है। बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन थे और उनकी माता का नाम महारानी महामाया देवी था। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ। इसी दिन 528 ईसा पूर्व उन्होंने भारत के बोधगया में सत्य को जाना और इसी दिन वो 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में भारत के कुशीनगर में निर्वाण या मृत्यु को उपलब्ध हुए। बौद्ध धर्म के दो आधार हैं, अभ्यास और जागृति। बौद्ध धर्म नास्तिकों का धर्म है। इनका मानना है कि कर्म ही जीवन में सुख और दुख लाता है। सभी कर्म चक्रों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। कर्म में मुक्त होने या ज्ञान प्राप्ति हेतु माध्यम मार्ग अपनाते हुए व्यक्ति को चार आर्य सत्य को समझते हुए अष्टांग मार्ग का अभ्यास करना चाहिए। यही एकमात्र मोक्ष प्राप्ति का साधन है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत भगवान बुद्ध के समय किसी भी तरह का कोई पंथ या संप्रदाय नहीं था, किंतु बुद्ध के निवारण के बाद द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षुओं में मतभेद के चलते दो भाग हो गए। पहले को हीनयान और दूसरे को महायान कहते हैं। महायान अर्थात बड़ी गाड़ी या नौका और हीनयान अर्थात छोटी गाड़ी या नौका। हीनयान को ही थेरवाद भी कहते हैं। महायान के अंतर्गत बौद्ध धर्म की एक तीसरी शाखा भी आती है, वज्रयान। नास्तिक पंथ में दूसरा नाम आता है जैन पंथ का। जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जिन बना है जी धातु से, जिसका अर्थ है जीतना, जिन अर्थात जीतने वाला। जिसने स्वयं को जीत लिया उसे जितेंद्री कहते हैं। जैन परंपरा में क्रमशः 24 तीर्थकर्थ हुए हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं: ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमित, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुनुथु, अरह, मली, मुनिव्रत, नमी, नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर। भगवान महावीर सबसे अंतिम तीर्थकर थे। भगवान महावीर ने तीर्थकरों के धर्म और परंपरा को सुव्यवस्थित रूप दिया। कैवल्य का राजपथ निर्मित किया, संघ व्यवस्था का निर्माण किया। मुनि, आर्यका, श्रावक और श्राविका, यही उनका चतुर्विग संघ कहलाया। इसके लिए उन्होंने धर्म का मूल आधार अहिंसा को बनाया और उसी के विस्तार रूप पंच महाव्रतों अहिंसा, अमृषा, अचौर्य, अमैथुन और अपरिग्रह व यमों का पालन करने के लिए मुनियों को उपदेश किया। गृहस्थों के भी उन्होंने स्थूल रूप अणुव्रत रूप निर्मित किए। उन्होंने श्रद्धान मात्र से लेकर कोपिन मात्र धारी होने तक के 11 दर्जे नियत किए। दोषों और अपराधों के लिए निवारणार्थ उन्होंने नियमित प्रतिक्रमण पर जोर दिया। कालांतर में भगवान महावीर की मृत्यु के बाद तीर्थकरों में आचरण और वस्त्रों को लेकर आपसी मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया। एक दल श्वेतांबर कहलाया, जिनके साधु सफेद वस्त्र पहनते थे, और दूसरा दल दिगंबर कहलाया, जिसके साधु नंगन ही रहते थे। माना जाता है कि दोनों संप्रदायों में मतभेद दार्शनिक सिद्धांतों से ज्यादा चरित्र को लेकर है। दिगंबर आचरण पालन में अधिक कठोर है, जबकि श्वेतांबर कुछ उदार है। तीसरा नास्तिक पंथ था चारवा। चारवाकों के बारे में कहा जाता है कि ये भौतिकवादी थे। इनका मानना था कि जो भी है इसी लोक में है। परलोक का सिद्धांत मात्र एक ढकोसला है। परलोक आत्मा पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता है। जो भी सब इसी जन्म में है, फिर चाहे वो स्वर्ग हो या नर्क। ये केवल यथार्थवाद को ही स्वीकार करते थे और इनका सबसे ज्यादा तर्क और तर्कवाद पर रहता था। इस संप्रदाय के संस्थापकों में ऋषि बृहस्पति का नाम भी आता है। कुछ लोगों का मानना है कि महर्षि बृहस्पति और ऋषि वात्स्यायन एक व्यक्ति थे। यह वही वात्स्यायन है जिन्होंने एक काम सूत्र की रचना की थी।
वर्तमान समय में चार्वक संप्रदाय से संबंधित सामग्री पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि उस समय चार्वक का बढ़ने से कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे थे, इसी कारण उन्होंने इस संप्रदाय के लिखे हुए ग्रंथों को नष्ट कर दिया। एक अन्य संप्रदाय आजीवक संप्रदाय को इसी से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि ये भी नास्तिकवादी होने के साथ साथ भौतिकवादी थे। इसका संस्थापक मखली गौशाला को माना जाता है। तो इस तरह मित्रों, सनातन परंपरा में आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के पंथ हैं और दोनों को पूर्णता स्वीकार किया गया है। सनातन दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो अपनी आलोचना करने वालों का भी खुली बाहों से स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।